इन बीच न्यूज निकला आपको, वीरभान मोटवाणी पंकज भंसाली के फ्लैट में जबरदस्ती रह रहे हैं और भंसाली ने मोटवाणी के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत की है। यह न्यूज आपको दिखाई थी और उस पर मोटवाणी ने भी कहा था कि हमारे पास पूरे प्रूफ है, लेकिन इन सभी बातों का पंकज प्रफुल्ल कुमार भंसाली, इन्होंने आज पत्रकार परिषद लेकर खंडन किया है। पंकज प्रफुल्ल कुमार भंसाली, इन्होंने पुलिस थाने में वीरभान मोटवाणी के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। आज उन्होंने पत्र परिषद लेकर कहा कि ये पत्र परिषद लेकर ये जानकारी इसलिए दे रहा हूँ कि उन लोगों ने मुझे प्रताड़ित करके रखा है। ये लोग कानून को भी कुछ नहीं समझते। उनका कहना है कि कानून उनकी जेब में है। आगे भंसाली इन्होंने कहा कि 2012 में लाहौरी बार धर्मपेट के ऊपर लाहौरी बार के गेस्ट हाउस में रेड हुई थी, जिसमें 10 से 12 रूम बने हुए हैं जहां वेश्यावृत्ति होती थी और लड़कियां पकड़ी गई थी। लाहौरी बार संचालक पर पीटा के तहत कार्रवाई हुई थी। उसने समीर शर्मा लाहौरी बार वालों को लगा कि वह कंप्लेंट मैंने की, इसीलिए वह मुझसे बदला लेने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाने लगे है तथा मुझसे बदला ले रहे है। मेरी स्वतः सुकृत अपार्टमेंट फ्लैट नंबर 301 प्लॉट नंबर 86 कॉरपोरेशन हाउस नंबर 683 सिटी सर्वे नंबर 902 सीट नंबर 34 मौजा अंबाजरी वार्ड नंबर 73 गांधीनगर नागपुर यहां पर है। लॉकडाउन के पीरियड में पूरी संचार बंदी लागू होने पर मैं घर से बाहर नहीं निकल पाया। इसका फायदा आरोपी लालचंद वीरभान मोटवाणी, समीर शर्मा, राकेश रंजन इन तीनों आरोपियों ने लिया है। इन तीनों आरोपियों ने भंसाली के मालकी के फ्लैट पर जबरदस्ती अवैध कब्जा कर उसे स्थान पर दारू पेशारती का व्यापार शुरू किया है। ये भंसाली ने मालूम हुआ तो भंसाली वहाँ गए और राकेश रंजन नामक व्यक्ति ने भंसाली को ये फ्लैट मुझे मिला है ऐसा कहा। फ्लैट में कब्जा कैसे किया और ये सब क्या कर रहे हो, तो आरोपी ने लालचंद वीरभान मोटवाणी व समीर शर्मा को बुलाकर उन तीनों ने मिलकर भंसाली ने मारकर भगाया और किडनैप करने और मारने की धमकी भी दी है। जिन्होंने आत्महत्या की कोशिश की थी कुछ दिन पहले और मेरे ऊपर राक्षस टेप लगाया, ये लेटर लिख के कि भाई मैंने उनको मतलब आत्महत्या करने के लिए उकसाया करके, तो उन्होंने क्लियर लिखा है इसमें कि मेरी दुकान जो है वो 5 साल के लिए उनको रेंट में दी हुई थी करके, और मैंने दुकान के लिए कोई FIR नहीं की उनके ऊपर। मेरी FIR जो थी वो घर के लिए थी जिनके मैं लॉकडाउन पीरियड में अवैध कब्जा किया है, लालचंद मोटवानी, समीर शर्मा लाहौरी वाला और राकेश रंजन है, और ये बहुत बड़ा क्रिमिनल ग्रुप है नागपुर का और ये हमेशा ही इस तरीके के कार्य में लिप्त रहते हैं। इन पर काफ़ी FIR दर्ज है और फ्लैट पे अवैध कब्जा करने के लॉकडाउन पीरियड पे गलत काम के लिए उपयोग किया, जैसे कि लड़कियां रखते थे वहाँ पे और दारू मिल रही है और खाली करने के लिए पैसे की डिमांड कर रहे हैं वो लोग। कितने पैसे की डिमांड? 80 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं। और ये जो आत्महत्या का जो ड्रामा किया है ये अरेस्ट से बचने के लिए, क्योंकि 384 की कलम लग रही थी उन पर, तो उनको न्यायालय से वो जमानत नहीं मिलती थी, तो उससे बचने के लिए इन्होंने आत्महत्या का ड्रामा किया है। और उनको लग रहा था कि ये केस क्राइम में ट्रांसफ़र हो जाएगा तो अरेस्ट हो सकते हैं, क्योंकि अभी उनको सहयोग मिल रहा है, अभी तक कि उनको कोई कार्रवाई उन पर हुई नहीं है। आपने कोई पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट? मैंने FIR की है। किस पुलिस स्टेशन? अंबाजरी पुलिस स्टेशन में, लेकिन अभी तक के वो CP साहब के निर्देश से ही FIR हुई है। सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा के मैंने FIR की है, मेरे पास पुख्ता सबूत है और उनकी कुछ रिकॉर्डिंग भी है। और जब FIR हुई है उसके बाद में कंटिन्यू वो फ़ोन में बात कर रहा था, जो 80 लाख रुपए मंग रहा था वो 17 लाख में उसने सेटल किया, लेकिन बाद में फिर ये नया ड्रामा शुरू किया। और दुकान का मैटर और फ्लैट का मैटर अलग है। दुकान तो 30/9/2020 को मतलब एग्रीमेंट ख़त्म हो रहा है। दुकान मैंने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट और एमिनिटीज़ एग्रीमेंट के साथ दिए, लेकिन फ्लैट में मैंने कोई एग्रीमेंट, कोई रेंट कुछ भी नहीं लिया है, कभी कुछ दिया नहीं है। फ्लैट में उन्होंने अवैध कब्जा मेरे पे प्रेशर बनाने के लिए किया है, जहाँ पे मेरे नॉलेज में नहीं था तब तक के वो इनलीगल काम करते थे। वो फ्लैट सर आपने उनको खुद से दिया कि उन्होंने खुद जाके कब्जा किया लॉक तोड़ के? हाँ, जो FIR में प्रॉपर लिखा हुआ है। और मैं आपको जो प्रेस नोट दे रहा हूँ जी, कब से उनके मुझे नॉलेज में आया 3/4/2020 को, और मैं 4/4 को, वो कब से उसके 10-15-20 दिन के आगे पीछे ही हो। और सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास में है, पुख्ता सबूत है। उन्होंने आपको कुछ उस फ्लैट का रेंट वगैरह दिया? आज तक के वो फ्लैट मैंने कभी रेंट पे दिया ही नहीं है।
वो मेरा फ्लैट था, वहाँ मेरा फर्नीचर रखा हुआ है, सब कुछ मेरा है। और वहाँ पे दारू पकड़ा गई, उन्होंने दारू का अपने ऊपर इसलिए गुनाह दाखिल करवाया कि उनके नॉलेज में है कि कहीं कोई गुनाह दाखिल हो जाए तो वो प्रॉपर्टी उनकी हो जाती है। सीपी साहब ने ये निर्देश भी दिया है कि 145 के अंतर्गत वो पुलिस कस्टडी में कर ले ले और जिसके पास एक्चुअल डॉक्यूमेंट्स होंगे वो फ्लैट उनको दिया जाए सारा वो देख के। आपका नाम बताइए। मेरा नाम पंकज भंसाली। इस संदर्भ में भंसाली इन्होंने अंबाझरी थाने में शिकायत दर्ज की, साथ ही पुलिस कमिश्नर इन्हें भी यह जानकारी दी है और न्याय मिलने की आशा पत्रकार परिषद के दौरान भंसाली इन्होंने जताई है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट, NBCN न्यूज़ नागपुर।